Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से. आई होप आप सब ठीक होंगे. मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ. आज की जो रेसिपी वो बहुत ही मजेदार है. आप इसे रमजान में बनाएं इफ्तार के टाइम पे, या फिर शाम को छोटी सी भूख के लिए बनाएं, या फिर आपके जो गेस्ट आते हैं या पार्टीज होती है उसमें आप बनाकर सर्व कर सकते हैं अपने गेस्ट को. सो आज की रेसिपी है मिनी चिकन पिज्जा मैक्सिकन टाकोस. तो आप इसे कहिए पिज्जा टाको, कहिए चिकन या फिर मैक्सिकन टाकोस कहिए. थोड़ा सा हमारा इंडियन फ्यूजन है इसके अंदर, थोड़ा सा स्पाइसी और ऐसी भी है. स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की. चलिए एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए. इसमें डाल दीजिए एक छोटा छोटा चम्मच बारीक कूटा हुआ लहसुन और इसे फ्राई कीजिए एक मिनट तक. फ्राई करने के बाद मैंने चूल्हा स्लो कर दिया है. और ये जो बोटी है इसकी मैंने चना बोटी करवाई है. ये बोनलेस चिकन थी, थाई पोर्शन थी, आप ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं. 250 ग्राम है. चर्बी निकाल के दो तीन पानी से धो के नितारने के लिए 10-15 मिनट के लिए छन्नी पर साइड पर रख दिया था. आप इसमें डाल दीजिए और इसे मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हे को और इसे फ्राई कीजिए. बार बार चलाते रहें और तब तक फ्राई करें जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता. तब तक कलर चेंज हो जाए तो 3-4 टेबलस्पून विनेगर डाल दीजिए और उसे भी डालकर मिक्स कर लीजिए. उसके बाद डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार. मैं 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ नमक. अब डाल दीजिए 3/4 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच पर इसे ढककर तकरीबन 10-12-15 मिनट पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती. एक बार बीच में खोलकर चेक कर लीजिएगा. अगर पानी एकदम सूख गया हो तो थोड़ा सा पानी का छींटा मारकर स्लो आंच पर दम पे फिर से रहने दीजिए. तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं हो जाती. अब चेक कर लीजिए 10-12 मिनट के बाद. ये देखिए मेरी तो परफेक्टली पानी भी सूख चुका है और चिकन भी देख सकते हैं गल चुकी है. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 1/4 कप पीली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाल रही हूँ, 1/4 कप लाल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाल रही हूँ, 1/4 कप ग्रीन हरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाल रही हूँ और 1/4 कप प्याज बारीक कटी हुई डाल रही हूँ. और इसमें डाल दीजिए 4 टेबलस्पून पिज्जा सॉस रेडीमेड. मैंने तो वीबा का लिया है, कोई भी कंपनी का डाल सकते हैं. अच्छा आपके पास ना हो तो 3 टेबलस्पून टमाटर सॉस और 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डालकर मिक्स कर इसमें डाल दीजिएगा. अब सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए, 1-2 मिनट तक पका लीजिए मीडियम आंच पर और इसका चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे ठंडा होने साइड पर रख दीजिए. जब ठंडा हो जाए तो 1 टेबलस्पून रेड चिली गार्लिक सॉस डाल दीजिए, या फिर नॉर्मल चिली सॉस भी डाल सकते हैं, और 2 टेबलस्पून मायोनीज डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए. अच्छा अब अगर आपने मेरी तरह पिज्जा सॉस डाला है और ये चिली गार्लिक सॉस डाला है तो यहाँ जो टेस्ट इसका बनेगा ना मैक्सिकन टाकोस का, वो स्पाइसी बनेगा. जी हाँ, लेकिन अगर आपको स्पाइसी नहीं करना है तो यहाँ जो आपने डाला है रेड चिली गार्लिक सॉस वो स्किप करके टमाटर सॉस डाल दीजिएगा और मिक्स कर लीजिए 1 टेबल स्पून डालकर और इसे साइड पर रख दीजिए. ये है वीट टॉर्टियाज. ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, रेडीमेड है जैसे आप देख सकते हैं. बट आपके पास ना हो तो आप घर में गेहूं की रोटियां इतनी बड़ी बड़ी बना लें, कोई बात नहीं, ये वही है. अच्छा अब एक हमारी जो बड़ी कटोरी आती है ना साइज की, उससे लेकर इसे गोल का आकार दे दें, शेप दे दें और इसे साइड पर रख दें. इसी तरीके से एक रोटी के अंदर 4-4 ये निकलेंगे बेस, तो इसे साइड पर रखते जाएं. तो इसी तरीके से 2-3 रोटियों को इस तरीके से गोल छोटे छोटे शेप दे दें तो मिनी बनेंगे ना हमारे. बची हुई रोटी के जो निकले हैं टुकड़े, इन्हें आप कोई सब्जी के अंदर डाल दें या सब्जी बना लें इनकी. अब ये हमारा मिनी बेस रख लीजिए टाको का और इसके ऊपर ये जो हमने चिकन का मिक्सचर लिया है उससे डाल दीजिए 1.25 टेबलस्पून जितना, 1.5 टेबलस्पून जितना. और अब इसे इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए तो आप देख सकते हैं. और मैं 2 छोटी वाटियां रख रही हूँ और उसके बीच में रख देती हूँ, ये देखिए, क्योंकि साइड से वो बार बार गिर जाएगा ना, तो अभी हमें फ्लावर का शेप देना है. तो इसी तरीके से एक छोटी टॉर्टिया लीजिए, उसके अंदर 1.5 टेबलस्पून जितना ये डाल दीजिए मिक्सचर चिकन का और इसे साइड पर लगाते जाए इस तरीके से. तो ये बन जाएगा हमारा फुल फ्लावर का शेप, बहुत खूबसूरत लगेगा. बीच का स्पेस अगर आपको खाली लग रहा है तो बीच के स्पेस में भी इस तरीके से एक टॉर्टिया के ऊपर रख कर इस तरीके से रख दीजिए. और ये देखिए पूरा जो हमारा मिक्सचर पूरा खाली हो चुका है, आप देख सकते हैं. और जो बचा कुचा हो वो थोड़ा सा डालने जैसा लगे तो यहाँ वहाँ डाल दीजिए हमारे टॉर्टियाज के ऊपर.
अब खूब सारी खुरची हुई चीज डाल दीजिए इनके ऊपर। अच्छा, आप चाहें तो पिज्जा चीज ले सकते हैं, मैंने पिज्जा चीज लिए, आप चाहें तो शेडार चीज लें या फिर मोजरेला चीज लें, वो पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ये सारे को भर दीजिए चीज से, मैं कम डाल रही हूँ, आप ज्यादा डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। थोड़ा खूबसूरत लगे, प्रेजेंटेबल लगे, तो इसके लिए मैं जो बारीक कटी हुई शिमला मिर्च थी लाल और हरी वो डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा खूबसूरत लगेगा। ये टोटली ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। अब ओवन को प्री हीट कर लीजिए 10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसे फिर प्री हीट हो जाए तो बेक करने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रहने दीजिए ओवन के अंदर तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर तब तक बेक करें जब तक चीज मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये देखिए बेक हो गई है, क्या मजेदार लग रही है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह हमारी चिकन मिनी पिज्जा मैक्सिकन टाको, बहुत ही मजेदार लगते हैं और खाने में तो इतनी मजेदार है आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, याद रखेंगे मुझे। तो जरूर बनाइएगा और स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। रमजान की खूब सारी रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की और रोज डाल रही हूँ, आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी, आई होप आपको अच्छी लगी, और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप कोई रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, उससे ज्यादा अच्छी लगे तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक्स फॉरवर्ड कीजिए ये रेसिपी के। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।